सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आज के टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें सो दैट कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। सो गाइज, लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सो गाइज, सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स बनानी है। लेट्स से एक मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया है एक्स, तो यहाँ पे जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख लीजिए 1 स्पेस 2 स्पेस 3, देन सेमीकोलन 4 स्पेस 5 स्पेस 6, देन सेमीकोलन 7 स्पेस 8 स्पेस 9, एंड देन प्रेस एंटर। सो दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स एंड देन वाई। लेट से जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको मैं नाम दे देता हूँ 4 स्पेस 5 6, देन 7 8 9, देन 10 11 एंड 12। फाइन। सो वी हैव टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। लेट से कि मैंने वेरिएबल लिया जिसको मैंने नाम दिया जेड। जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट इनटू वाई, देन प्रेस एंटर। सो गाइस, हेयर यू कैन सी द आंसर। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये आंसर कैसे आया। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जैसे एक्स का फर्स्ट एलिमेंट है और वाई का फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई होके 4 आ गया आपके पास। देन एक्स का सेकेंड एलिमेंट 2, देन वाई का सेकेंड एलिमेंट 5, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास आंसर आ गया 10, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी जिसको हमने नाम दिया है जेड। अगर मैं सिंपल करता हूँ एक्स इंटू वाई, तो आपको यहाँ पे एक और मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब है दिस इज योर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर मैट्रिक्स, जिस तरीके से आप करते हो। सो गाइज, दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स एक्स का जो रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, सो मुझे अब अंडरस्टैंड करना है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की पावर लेना चाहता हूँ तो मैं कैसे लूंगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया बी, बी इज इक्वल टू एक्स। लेट से कि मैं एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी पावर लेना चाहता हूँ। अगर मैं डॉट रेस टू द पावर 3 करता हूँ तो यहाँ पे आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हर एलिमेंट का पावर क्यूब हो गया है। दैट मीन्स 1 का क्यूब, देन 2 का, 3, एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से आपको एक नई मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसमें हर एक एलिमेंट का क्यूब हो रखा है। ओके, लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स और है, सी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3। नाउ यू हैव अ डिफरेंट मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स इंटू एक्स हो रखा है। एक्स जो मैट्रिक्स है उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है हमने, तब जाके आपका ये आंसर आया है। एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो चुका है। नाउ लेट्स से इफ यू वॉन्ट टू एड 10 विद सी, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं एंड देन सी प्लस सी प्लस 10। हेयर यू कैन सी 10 हर एक एलिमेंट में एड हो चुका है। 468 प्लस 10 478, देन 576 प्लस 10 586, हर एक एलिमेंट में 10 ऐड हो चुका है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास और उनको ज्वाइन करना है, सो ज्वाइनिंग ऑफ एरेज इज कॉल्ड व्हाट? कंकेटिनेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स से कि आपके पास एक वेरिएबल है डी और हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक्स और वाई को, जो हमने ऊपर अभी देखी थी दो मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। सो दोस्तों, इसके लिए आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट, अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एक्स कॉमा
वाई. सो हेयर यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स ओके ऑफ डिफरेंट डायमेंशन. वहां पे आप सो द न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स. वाई को आपको एक्स के नीचे लेके आना है, तो आपको इस कॉमा की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, सेमी कॉलन, देन प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी कि दिस इज योर एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज योर वाई मैट्रिक्स. नाउ लेट से इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, देन सिंपली यू विल राइट डी इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्स. ओके, सो द साइज ऑफ योर एक्स मैट्रिक्स इज 3 into 3, 3 rows and 3 column.